और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा पावर पॉइंट का टॉपिक है, होम मेन्यू में फाइंड, रिप्लेस, गो टू। इसके बाद होम मेन्यू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंसर्ट मेन्यू हम स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन टेबल। टेबल में तीन ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट। अब देखो प्रैक्टिकली हम करते हैं। शीट पर हमने, स्लाइड पर हमने कोई भी वैल्यू टाइप की है, वैल्यू टाइप करने के बाद हमें इसमें से किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड करना है। फाइंड मतलब किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को ढूंढना है इसमें से। यहां से हमने क्या किया, फाइंड किस वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड करना है, हमने डाल दिया DFI को करना है। फाइंड नेक्स्ट कहाँ पे यूज हुआ है, देखो DFI का कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, तो सिर्फ DF का हुआ हो। देखो जहां पे भी DF का यूज हुआ है वहीं पे हमारा कर्सर क्या है, आ जाएगा। ये होता है फाइंड, किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। क्या होती है, Ctrl+F फाइंड की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज किस लिए किया जाता है, देखो फाइंड का यूज जो किया गया है वो तो किस लिए किया गया, किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए। रिप्लेस, रिप्लेस क्या होता है, चेंज करना। किसको चेंज करना है कि जहाँ पे हमने DF यूज किया है, DF कैरेक्टर का वर्ड का यूज किया है, उसकी जगह पे क्या है, दूसरा वर्ड आ जाए। क्या वर्ड आ जाए, हमने डाल दिया रेड। उसके बाद देखो रिप्लेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल। सभी जगह क्या है, जहाँ पे भी हमने DF यूज किया है उसकी जगह पे सभी जगह क्या आ जाए, रेड आ जाए। तो देखो सभी जगह क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। इधर देखो, इसके बाद हमने इसको क्लोज किया। रिप्लेस फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज करना है, कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अदर लेना है तो यहाँ से हम कोई भी अदर ले सकते हैं, कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हो इसे हम क्या है उसको सिलेक्ट करके ले सकते हैं। सिलेक्ट किया रिप्लेस, यहाँ पे देखो फॉन्ट चेंज हो जाए अपना, क्लोज करो, फॉन्ट चेंज हो गया जाएगा। अब दोबारा से हमें चेंज करना है फॉन्ट को, तो इसे हम क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे रिप्लेस फॉन्ट। अब कौन सा लेना है, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमें तो एरियल का लेना है, सिलेक्ट करो, क्लोज। यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉन्ट फेस को। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड पर जो हमने मैटर टाइप कर रखा है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू का ऑप्शन है, इंसर्ट मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन टेबल। टेबल का यूज किसके लिए किया जाता है, स्लाइड पर टेबल इंसर्ट करने के लिए। जो पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट की जाती है, पावर पॉइंट की टेबल में मैक्सिमम 75 रो और 75 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया 80 रो इंसर्ट हो जाए और 80 कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो ओके करो। देखो ओके करते के साथ यहाँ पे क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ कॉलम कितने तक हम कॉलम लेते हैं, 75 तक। नंबर ऑफ रो कितने तक हम रो ले सकते हैं, 75 तक, ठीक है। इसके बाद अब देखो टेबल, एक तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं कि कितनी इंसर्ट करनी है, दूसरा क्या है, यहीं पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल।
नंबर ऑफ कॉलम कितने कॉलम चाहिए, हमने डाल दिया 3 कॉलम आ जाए और 7 रो आ जाए। ओके करो, 3 कॉलम 7 रो आ जाएंगी। अब देखो टेबल में हमने वैल्यू टाइप की है, वैल्यू टाइप करने के बाद देखो वैल्यू हमने टाइप कर दी। जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करेंगे ना, टेबल को इंसर्ट करते के साथ एक डिजाइन मेन्यू आ जाएगा और एक लेआउट मेन्यू आ जाएगा। डिजाइन मेन्यू का यूज किसके लिए किया गया है, डिजाइन मेन्यू में देखो फर्स्ट ऑप्शन है हेडर रो। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल में जो हेड की रो है, जो ये टॉप की रो है, इसकी फॉर्मेटिंग को हाइड एंड शो कर सकते हैं। टोटल रो जो सबसे लास्ट की रो है उसको, बेंडेड रो बीच की रो, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को हाइड एंड शो कर सकते हैं, लास्ट कॉलम बीच के कॉलम को हाइड एंड शो कर सकते हैं। टेबल स्टाइल, टेबल का कोई स्टाइल चेंज करना है, इसका हमें दूसरा कोई स्टाइल लेना है तो वो हम क्या कर सकते हैं, टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है फिर शेडिंग, कैसी शेडिंग आ जाए, जिस सेल में कर्सर रखा है उसी की क्या कर सकते हैं हम, शेडिंग चेंज कर सकते हैं, कोई भी शेडिंग यहाँ से हम ले सकते हैं। ग्रेडिएंट में लेनी है, ग्रेडिएंट में ले सकते हो। इसके बाद टेबल का हमें बॉर्डर लेना है, हमने क्या किया, टेबल को सिलेक्ट कर दिया, टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर चाहिए हमें, तो देखो ऑल बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि आउटसाइड बॉर्डर आ जाए, देखो सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर हट गया, बीच बीच का रह गया। अब हमने यहाँ से क्या किया, बॉर्डर कर दिया, नो बॉर्डर करते के साथ क्या है, कंप्लीट हट गया। इसके बाद आउटसाइड चाहिए अब हमें, देखो अब क्या है, जो बाउंड्री है चारों तरफ की बाउंड्री पे बॉर्डर आ जाएगा और बीच में नहीं आएगा। इसके बाद क्या है, लेफ्ट का बॉर्डर चाहिए, टॉप का बॉर्डर चाहिए, राइट का बॉर्डर चाहिए, इनसाइड वर्टिकल चाहिए, डिजनल डाउन चाहिए, डिजनल अप चाहिए। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं टेबल पर। इसके बाद है फिर अगला इफेक्ट, टेबल पर हम इफेक्ट डालने हैं, कौन सा इफेक्ट डालना चाहते हो, टेबल पर इफेक्ट डाल सकते हो। देखो जिस भी इफेक्ट पर हमारा कर्सर आएगा वही क्या है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हमें शैडो में लेना है, तो देखो शैडो में ले सकते हो, शैडो आ जाएगी। इसके बाद शैडो का कलर वगैरह भी लेना है, तो ये देखो ऑप्शन है शैडो ऑप्शन, कैसे कलर में लेनी है शैडो उसी कलर में आ जाए, जैसा भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे उसे। इसके बाद अगला है फिर क्विक स्टाइल, स्टाइल चेंज करना है, जो हमने फॉन्ट टाइप किए हैं, जो वैल्यू टाइप की है, वैल्यू का फॉन्ट क्या करना है हमें, चेंज करना है। तो यहीं से क्या कर सकते हैं, वैल्यू के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हैं यहीं से ले सकते हैं। इसके बाद अगला है फिर टेक्स्ट कैसे में फिल हो जाए, फिल कर सकते हो, आउटलाइन कैसी आ जाए, आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट डालना है, इफेक्ट डाल सकते हैं, जो हमने वैल्यू टाइप कर रखी है वैल्यू पर क्या है, इफेक्ट डाल सकते हो। इसके बाद जो हमने लाइन लिखी है, लाइन कौन से स्टाइल की लेना चाहते हो, स्टाइल चेंज कर दिया हमने, और लाइनों की विड्थ भी चेंज कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम, इंसर्ट करते के साथ क्या है उसी स्टाइल में हमारी टेबल आ जाएगी। इसके बाद पेन कलर चेंज करना है, लाइनों का कलर चेंज कर सकते हो, देखो जिस भी लाइन पर क्लिक करेंगे ये देखो ऐसे कलर चेंज है।
इसके बाद ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, अभी जो मैंने आपको टेबल ड्रॉ करने बताई है वही। इसके बाद है इरेजर। इरेजर से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने टेबल इंसर्ट की है उनको इरेज कर सकते हैं। देखो ये चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर लेआउट। लेआउट का यूज किसके लिए किया जाता है, अब जो हमने टेबल इंसर्ट की है इनका हमें क्या करना है, लेआउट चेंज करना है। कौन सा लेआउट लेना चाहते हो, देखो टेबल में हमने कर्सर को रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा लेआउट मेन्यू। लेआउट मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट टेबल, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। और कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। रो को सिलेक्ट करना है, रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला है फिर ग्रिड लाइन को हाइड एंड शो करने के लिए। टेबल में जो ये हमें व्हाइट कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है इनको हाइड एंड शो करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर डिलीट। डिलीट से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कॉलम, जिस कॉलम में हमारा कर्सर है वो कॉलम डिलीट हो जाए, जिस रो में हमारा कर्सर है वो रो डिलीट हो जाए। अब ये देखो डिलीट तो हमने कर दिया, अब हमें इंसर्ट भी करना है। तो देखो यहीं पे हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट अबोव, कि जो हमने ये टेबल इंसर्ट कर रखी है इसके अबोव में क्या है, रो इंसर्ट हो जाए। इसके बाद बिलोव में हो जाए, बिलोव में रो जाएगी। लेफ्ट में कॉलम आ जाए, राइट में कॉलम आ जाए। इसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल का यूज किसके लिए किया जाता है, दो या दो से अधिक सेल को सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, एक सेल बनाना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं इसे। इसके बाद सप्लीट। सप्लीट क्या होता है, तोड़ना, कि जो अभी हमने सेल मर्ज किए हैं उनको हम तोड़ चाहते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम में तोड़ना चाहते हो, हमने डाल दिया थ्री कॉलम में तोड़ना चाहते हैं, तो रो कितनी आ जाए, हमने डाल दिया थ्री रो आ जाए। इसके बाद हमने किया ओके। ओके करते के साथ ही देखो थ्री रो थ्री कॉलम में है, टेबल हमारी सप्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइज। डिस्ट्रीब्यूट रो, सभी रो की हाइट एक समान करने के लिए सभी कॉलम की वेट। कैसे, ये देखो कोई रो तो ऐसी है जिसकी हाइट बिल्कुल, ये रो की हाइट और विड्थ हमने चेंज कर रखी है। अब हम चाहते हैं कि सभी इक्वल हो जाए, यहां से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम डिस्ट्रीब्यूट रो। देखो सभी रो और सभी कॉलम की हाइट और विड्थ क्या है, एक समान हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिर अपना एलाइजन, कि जो हम टेबल में वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो लेफ्ट से हो जाए, टॉप से हो जाए। अभी देखो लेफ्ट से है, अभी हमने डाल दिया सेंटर हो जाए, राइट से हो जाए, टॉप मिडल बॉटम। टेक्स्ट की डायरेक्शन करनी है, हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हो, वर्टिकल में, या इसे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन। सेल का जो नॉर्मल मार्जिन है उसी को हमें क्या करना है, सेट करना है, तो हम क्या है, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर हाइट। जिस रो में हमारा कर है रो की हाइट चेंज हो जाए, तो देखो क्या है, हाइट चेंज हो जाएगी। विड्थ को चेंज करना चाहते हो, विड्थ को चेंज कर सकते हो, या इसे हम क्या है, हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। या फिर ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन मैंने आपको कल करवाया था। ब्रिंग टू फ्रंट से क्या सकते हैं, कोई भी हमारे दो शेप है, शेप को हम क्या कर सकते हैं, टॉप और बॉटम में सेट कर सकते हैं। दूसरी शेप भी हमने इंसर्ट की है, बैक वाली शेप को हमने सिलेक्ट किया इंसर्ट, होम में ही कर ली। ब्रिंग टू फ्रंट फ्रंट में आ जाए, सेंड टू बैक बैक में चली जाए। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ऑप्शन समझ ना आया हो मेरे से पूछ सकते हो।
जो हमने आज पावर पॉइंट किया है, पावर पॉइंट में कोई भी ऑप्शन समझ ना आया हो पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।